दोस्तों ये हमारे पास जैक की मशीन है, मॉडल है A2। इसकी कटर की टाइमिंग करेंगे जो धागा काटती हैं, तो इसकी टाइमिंग अभी आउट हो गया है। जैसे धागा काटने के बाद ये धागा काट नहीं रही है, तो इसकी देखेंगे केम की टाइमिंग और इसकी कटर की टाइमिंग। जैसे हमारा मशीन चल रहा है, तो चलने के बाद ये धागा काटने के बाद कटर तो काम कर रहा है, लेकिन ये हमारा धागा काट नहीं रहा है। आप देख सकते हैं दोनों धागे में से एक भी धागा काट नहीं रही है। ये हमारा धागा नहीं काट रहा है। और आगे का इसकी टाइमिंग कैसी करनी है वो बताएंगे हम आपको। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला घंटी के दबा कॉल पर सेट कर लें, ताकि कोई सा वीडियो डालूं जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी नेडल प्लेट खोलेंगे और देखेंगे हमारा नाइफ सही है या ख़राब हो गया है या टूट गया है। ऐसे नाइफ निकालने के बाद ही पता चलता है कि हमारा नाइफ सही है या ख़राब है, लेकिन ये प्लेट खोलने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा नाइफ टूटा तो नहीं है। तो नीडल प्लेट पहले खोलते हैं और फिर देखते हैं, अगर नीडल हमारा नाइफ सही होगा तो फिर केम की टाइमिंग चेक करेंगे। ये है हमारा फिक्स नाइफ और ये है हमारा मूविंग नाइफ, जो ये आगे पीछे मूव करता है। ये जो हमारा नाइफ है ये आगे पीछे मूव करता है, इसलिए इसको मूविंग नाइफ बोलते हैं। इसको मूविंग नाइफ बोलते हैं, इसको फिक्स नाइफ बोलते हैं। तो ये हमारा फिक्स नाइफ भी सही है और मूविंग नाइफ भी सही है। मूविंग नाइफ भी हमारा जो है कहीं से टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। चलते हैं इसकी केम की टाइमिंग देखते हैं, केम की टाइमिंग हमारा कैसी है। केम की टाइमिंग करने के लिए हम तो दोस्तों हमें केम की टाइमिंग आउट है कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम मशीन को एक बार चलाएंगे, ऐसे चलाने के बाद ऐसे कटर को पैडल को पीछे दबाएंगे, ऐसे चला के पैडल को ऐसे पीछे दबाएंगे तो कटर हमारा काम करेगा। उसके बाद से हम मशीन को ऐसे पलटेंगे, पलटने के बाद हम देखेंगे ये जो हमारा केम है ये केम किस पोजीशन पे है। ये धागा हटा रहा था ताकि आपको केम की टाइमिंग दिख सकें। तो ये है हमारा केम, मूविंग नाइफ का केम है ये। इस केम को पहले खोल के फ्री करेंगे, स्कूल केम को खोल के पहले फ्री कर लेते हैं और फिर एक बार मशीन को चालू करेंगे। अभी हमारा केम जो है ये केम बिल्कुल फ्री हो गया है, ये केम हमारा फ्री हो गया है। अब मशीन को फिर सीधी करेंगे, मशीन सीधी करके फिर मशीन को एक बार ऐसे चलाएंगे, चला के और पीछे की तरफ पैडल दबाएंगे ताकि नाइफ हमारा काम करे। फिर मशीन पलटेंगे और फिर इसकी केम की जो टाइमिंग है जो फ्री हमने की थी, तो इसको हम ला के ऐसे केम को घुमा के ऐसे और इस जगह पे सेट करेंगे, इस जगह पे। ये धागे डिस्टर्ब कर रहा है अपने को, इस जगह पे सेट करेंगे। आप देख सकते हैं, इधर साइड से देख सकते हो आप,
इस जगह पे सेट करेंगे। अब इस केम को हम यहाँ टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइट कर लिए। इसके बाद से ऐसे घुमा के देखेंगे कि इसमें मतलब टच भी नहीं होना चाहिए, यहाँ के यहाँ इसमें टकराए नहीं। तो आप देख सकते हैं नहीं टकरा रहे। ऐसे हाथ से करके इसे थोड़ा सा प्ले चेक कर ले ताकि थोड़ा सा इसमें प्ले रहे, ज़्यादा चिपकना नहीं चाहिए इसमें। अब इसको हम दोनों स्क्रू को टाइट कर लेंगे। अब यहाँ हमारा केम की टाइमिंग कंप्लीट हो गया। एक बार और इसको ऐसे चला के और फिर मशीन को पलट के देखेंगे हमारे उस पोजीशन पे आके मशीन रुकी है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फास्ट है, ये जो है केम अपना ये थोड़ा सा फास्ट है, ऊपर ज़्यादा फास्ट नहीं है, थोड़ा सा फास्ट है। इतना पे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत थोड़ा सा आ सकता है जैसे धागा छोटी काटे। तो एक बार मशीन चला के चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। रिपेट लगा लेता हूँ। फिलहाल मैं एक ही स्क्रू लगा रहा हूँ, या स्क्रू नहीं भी लगाए तो भी काम चलेगा। बूट लगा लेते हैं, और बूट लगा के वैसे ही चेक कर लेंगे मशीन को। इसको चला के चेक कर लेते हैं हमारे काम ठीक नहीं लग रहा है। तो अभी देख सकते हैं आप, वहाँ से केम के टाइमिंग करने के बावजूद भी हमारा धागा नहीं काट रहे हैं। तो अब हम हमारा केम के टाइमिंग सही है, उतना भी रहने देंगे। अब हम इसकी मूविंग नाइफ चेक करेंगे, हमारा मूविंग नाइफ कितना आगे आ रहा है। तो उसके लिए ये आप देख सकते हो, ये जो हमारा शाफ्ट है और ये हमारा इसका ये जो लीवर है, ये थोड़ा सा और ये शाफ्ट में थोड़ा सा चिपकना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा उस चिपकाने से ये होगा मूविंग नाइफ हमारा और थोड़ा सा फास्ट होगा। मूविंग नाइफ जो है हमारा थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। तो पहले हम नीडल का पोजीशन इतना ऊपर करके उसके बाद से इस लीवर को ऐसे दबाएंगे। इस लीवर को दबा के ये जो हमारे पास एलके का स्क्रू है, ये वाला स्क्रू जो ये 4 mm के इसमें एलके लगता है, इसको हम पहले लूज करेंगे। इसको जो है हल्की से ऐसे लूज करेंगे। ऐसे लूज करने के बाद इसे थोड़ा सा आगे की तरफ लेंगे, ऐसे आगे की तरफ लेंगे, फिर इसको टाइट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये जो है हमारा हिसाब से थोड़ा सा अलग है, 2 mm अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है। तो इतना पे ये प्रॉपर सेट कर लें,
ये हमारा इसका टाइमिंग अब इतना बजे सही है, इतना बजे इसका टाइमिंग होना चाहिए। ये हमारा जो निडल पोजीशन है नीचे जाके और इतना ऊपर आए, ऊपर जब आने लगे तो मशीन को ऐसे पलटी करें। ऐसे मशीन पलटी करने के बाद इस लीवर को ऐसे दबाएं। ये जो हमारा जो क्यूम का खांचा है जहाँ से ये पॉइंट निकला हुआ है, इसी के पास ऐसे ये क्लैंप इसमें फंसे, ऐसे ऐसे लीवर को दबाएं, पकड़ना इसे, ऐसे लीवर को दबा के और फिर ऐसे मशीन को ऐसे घुमाएं, ऐसे लीवर को दबा के फिर ऐसे मशीन को घुमाएं, तभी हमारा जो कटर है ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो अभी निडल के पास दिखाते हैं आपको कैसे ये मूव कर रहा है, पकड़ना इसको। इतना ही रोके रखना, अभी ये हमारा सही है। ये जो हमारा मूविंग नाइफ है, ये इसका जो ये होल है, ये होल इस हमारा फिक्स नाइफ जो है, ये फिक्स नाइफ का आगे का हिस्सा है, ये फिक्स नाइफ का हिस्सा से ये हमारा मूविंग नाइफ पर ढक जाना चाहिए, ये होल ढक जाना चाहिए, इतना भी ढक जाना चाहिए होल, इतना भी ढक जाना चाहिए, जब जाके धागा हमारा प्रॉपर काट दिए। अगर इतना आगे आ रहा है तो हमारा ये मूविंग नाइफ का टाइमिंग सही है। आप देख सकते हैं हमारा धागा प्रॉपर कट रहा है। दोस्तों कटर की टाइमिंग सेट होने के बावजूद भी कभी धागा छोटा काटता है, कभी बड़ा काटता है, ये प्रॉब्लम अक्सर आता है। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।